रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ ताजा खबरों पर। सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत ग्राम अमरपुर में सन 1988 में आज तक जनसेवा का कार्य कर रहे बच्चों के एक अनुभवी डॉक्टर। जी नमस्कार, मैं श्रीकांत पांडे, आप लोग देख रहे हैं इंडिया आज तक। आज ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराते हैं कि जो महान पुरुषों में इनकी गिनती होती है। और आज हम सीधी जिले के सिहावर विधानसभा अंतर्गत ग्राम अमरपुर में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से लेके एक बुजुर्ग तक सब पांडे डॉक्टर जी के नाम से परिचित हैं। चलिए आइए डॉक्टर साहब से परिचय लेते हैं। जी बताइए डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? गिरीश दत्त पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं आप सर? हम तो बनारस जिला ग्राम पलखा पोस्ट धौरहरा वाया चौबेपुर। जी आप प्रदेश के रहने वाले हैं। आज आपका इंडिया आज तक चैनल में जीवन परिचय गाथा है सर। आज आप अपने जीवन के और शुरू से लेके आज तक, जब से आप होशियार जानकार हुए हैं आज तक की क्या कहानियां हैं आपकी? और मैं 1968 में बीएससी बालाजी से किया, उदय प्रताप डिग्री कॉलेज क्षत्रिया कॉलेज के नाम से जो प्रसिद्ध था पहले। और उसके बबाद मैं अर्जुन महाविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा ली। और हमारे गुरु जी जो थे वो श्री तारा शंकर मिश्र वैद्यराज, उन्हीं का मैं शिष्य भी हूँ। और हमारे जो है पद में साले भी लगते थे। और उसके बाद भारतीय चिकित्सा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। और तब से मैं ये समाज सेवा कर रहा हूँ, और विद्या से भी करता हूँ, विद्यादान भी करता हूँ, चिकित्सा से भी सेवा करता हूँ और मनोरंजन भी करता हूँ। सर जैसे चिकित्सा की बात करें तो जो आप पढ़ाई पीरियड में थे कॉलेज के टाइम पे, जी तो कॉलेज के टाइम पे जब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, जी उस टाइम पे आपकी मंशा ही थी कि हमें चिकित्सा डॉक्टर बनना है? ऐसा है कि हमारे जो है वैद्यराजी जो थे जी, वो हमको बहुत मानते थे, इसलिए जो हमको अपनी लाइन में खींच करके ले गए जी। और इस वही हमको इस लाइन में लाए और मैं इसमें घुल मिल गया। और सबसे बड़े मजे की बात तो यह है कि जो वैद्यराज जी आपके गुरु हैं और रिश्ते में भी साले हैं। तो ये आपसे मैं पूछना चाहता था कि कॉलेज टाइम पे कुछ ऐसी कहानियां थी आपके जीवन में, या स्कूल टाइम पे कि जीवन साथी के बारे में क्या कुछ ऐसी भी कहानियां थी? हाँ कहानी एक थी जी। एक बार एनुअल फंक्शन हुआ था क्षत्रिया कॉलेज में जी, और उसमें जो मुझको एक गाना गाना था, तो मैंने एक गाना लिखा कि मेरे अंगनैया में कैसी बहार है। वाह भाई वाह। मेरे अंगनैया में कैसी बहार है, इस गाने को मैं लिखा। और उस समय मेरा क्लास फेलो था अनजान पाड़े, जो कि फिल्मी दुनिया में गीतकार हैं, उनका लड़का अनजान पाड़े।